नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के लिए जारी हुए नए आदेश के बाद बढ़ गई वोटरों की संख्या। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए चीनी इस्तेमाल जरूरी नहीं। बिहार में दिखने लगा गर्मी का असर। महानगरीय पुलिस की तर्ज पर हाईटेक बनने वाली है बिहार पुलिस। आरजेडी के उपाध्यक्ष ने मंत्री मुकेश सहनी के पक्ष में रखी अपनी बात। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। नए आदेश के बाद पंचायत चुनाव में बढ़ गई 14.5 लाख से अधिक वोटरों की संख्या। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनी सूची में जोड़े गए 14,35,000 नए वोटर भी पंचायत चुनाव में वोट दे सकेंगे। आयोग ने इन नए वोटरों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये सभी वोटर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। दरअसल पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में नए वोटरों की लिस्ट आई थी। इसमें से 25,000 शहरी क्षेत्र के वोटर हैं, जिन्हें छोड़कर लिस्ट में बाकी के बचे ग्रामीण क्षेत्र के नए वोटर अब अपने पंचायत क्षेत्र के लिए भी मतदान कर सकेंगे। आयोग ने सभी जिले के डीएम को कहा है कि वह 1 जनवरी 2021 की अहर्ता के आधार पर तैयार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी सभी बीडीओ को उपलब्ध करा दे। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने विभिन्न राज्यों में ग्रेड बी जूनियर ऑफिसर के 150 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के तहत अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम या मैनेजमेंट में कम से कम 60% अंकों तक स्नातक का होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च 2021 है। चयनित अभ्यर्थियों को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के विभिन्न शहरों में नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट saraswatbank.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में गर्मी का सितम शुरू। राज्य में एक सप्ताह तक तपिश के थोड़ी राहत के बाद गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे के भीतर सभी जिलों में पारे में 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। पटना में बीते दिन शुक्रवार को सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान अधिकतम पारा 33.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गया, भागलपुर और पूर्णिया जिले में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 मार्च तक तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी का प्रभाव राज्य के कई हिस्से में दिखेगा। 7 मार्च से सूबे में पूर्वा हवा के बहने के संकेत मिल रहे हैं। इसके प्रभाव से न्यूनतम पारा आंशिक रूप से ऊपर चलेगा, जबकि राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ जगहों पर बारिश की स्थिति बन सकती है। बिहार के यूनिवर्सिटीज में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के लिए बनेगा नया आयोग। राज्य के विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नया आयोग बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी है। इसके तहत अब इन संस्थानों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के तृतीय श्रेणी के पदों पर बहाली नए आयोग के द्वारा किए जाएंगे और इन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ भी दिया जाएगा। इसके मुताबिक इन पदों पर UGC के द्वारा निर्धारित योग्यता होने के बाद ही बहाली की जाएंगी। एम्स रिपोर्ट ने बताया लालू यादव को हार्ट अटैक का खतरा। दिल्ली एम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के तहत उन्हें दिल का दौरा पड़ने का खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते दिन चारा घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान लालू की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कही थी, जिसके तहत झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि लालू यादव को हार्ट अटैक की संभावना और किडनी फेल्योर के गंभीर खतरे के कारण ही बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया है। इस दौरान उन्हें ठीक होने के लिए 4 सप्ताह अतिरिक्त समय लगने की बात कही गई है, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस सुनवाई को 1 महीने के लिए टाल दिया है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी बनाने की शर्त कर दी गई खत्म। अब बिना चीनी का इस्तेमाल किए बिना कोई कंपनी इथेनॉल का उत्पादन कर सकती है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब इथेनॉल निर्माण में चीनी के इस्तेमाल की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इस बात की जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधानसभा में दी है। इसके तहत उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद गन्ना और मक्का के साथ साथ टूटे फूटे और सड़े गले अनाज से भी अब इथेनॉल बनाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव UPA की सरकार में ही दिया गया था, जिसे अब अनुमति दे दी गई है। पटना डीएम ने लिपिक को दिया अनिवार्य रिटायरमेंट। बिहार सरकार के द्वारा सरकारी संघ सेवकों को काम में लापरवाही बरतने को लेकर जबरन रिटायरमेंट देने के फैसले को कई विभाग सख्ती से लागू कर रही हैं। इसके तहत पटना के डीएम ने दानापुर SDO कार्यालय के एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। लिपिक अभी सिन्हा को कार्यालय के समय औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाया गया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जांच प्रक्रिया के दौरान उन्हें शो कॉज नोटिस भी भेजा गया था और सुनवाई के दौरान भी वे
लगातार अनुपस्थित रहे। इसके बाद पटना डीएम ने उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया है। बिहार पुलिस करेगी कार के जरिए पेट्रोलिंग। राज्य में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई और यूपी पुलिस की तर्ज पर ही बिहार पुलिस को भी स्मार्ट पुलिस बनाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत अब पुलिस अर्टिगा और बोलेरो जैसी गाड़ियों से गश्ती करेगी। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक बिहार पुलिस के लिए फिलहाल 80 अर्टिगा की खरीदी हुई है। इसके अलावे करीब 300 बोलेरो की खरीदने की तैयारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, 389 मोटरसाइकिल भी खरीदे जाएंगे, जिससे किसी भी जिले में पुलिस दल आसानी से गश्ती कर सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार हर एक जिले के लिए 2-2 अर्टिगा कार ले रही है, जो टाउन थाना को दी जाएगी। शाहनवाज ने किया बीजेपी के 2/3 बहुमत से बंगाल फतह करने का दावा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी 2/3 सीटों को लाकर सरकार बनाएगी। शाहनवाज हुसैन भाजपा की बैठक में शामिल होने के बाद पटना आए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने पहले 2 फेज के लिए नामों को तय कर दिया है, ममता दीदी का इस बार जाना तय है। वहीं दावा किया कि असम में भी फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही पुडुचेरी और केरल में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनाने की कही। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने से कोई नहीं रोक सकता है और पूरे देश में कमल खिलेगा। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को बिहार सरकार देगी ट्रेनिंग। नल जल योजना पार्ट 2 के सुचारू रूप से काम करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग व PHED के तहत एक समझौता किया गया है। इसके तहत राज्य के 1 लाख से अधिक के प्लम्बर, बिजली मिस्त्री और अन्य योजना से जुड़े कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत लोगों के घर तक जलापूर्ति की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए पहले से ही बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन व पंप ऑपरेटरों को ITI के जरिए उनका कौशल विकास किया जाएगा। इस दौरान विभाग के का कहना है कि प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को चलाना और भी सहज हो जाएगा। इसके साथ ही कौशल विकास होने से इन कर्मियों को काम करने में सहायता मिलेगी। RJD नेता ने कहा मुकेश सहनी से बड़ी गलती पदाधिकारियों की। बिहार सरकार में पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी की एक गलती से विधानसभा में भारी फजीहत हुई, जिसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से माफी भी मांगी। अब RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मुकेश सहनी का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने गलती की और सार्वजनिक रूप से उसे कबूल कर ली है। सहनी राजनीति में नए आए हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, इसलिए सरकारी कामकाज के तौर तरीके की बात समझने में उन्हें वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जितनी गलती मुकेश सहनी की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर गलती उन प्रशासनिक अधिकारियों ने की है, जिन्होंने सारा कार्यक्रम मंत्री के एवज में उनके भाई से करवाया। उन पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग कश्यप पर पहले भी लग चुके हैं टैक्स चोरी के आरोप। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है, जिसे लेकर विपक्ष के नेता एक तरफ केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अनुराग पर यह कार्रवाई मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से की जा रही है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि अनुराग पर साल 2013 में भी छापेमारी हुई थी, जिस समय UPA की सरकार थी, लेकिन उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक साल 2013 में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर समीर वानखेरे ने बॉलीवुड के उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था जिन्होंने सर्विस टैक्स नहीं भरा था। इस जांच में अनुराग कश्यप द्वारा 55 लाख रुपए का टैक्स छिपाए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जदयू सवर्ण प्रकोष्ठ से जुड़े 500 से अधिक युवा। बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने 500 से अधिक युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में बिहार प्रदेश जदयू के सवर्ण प्रकोष्ठ का मिलन समारोह भी आयोजित था, जिसमें अलग अलग जिलों के युवाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई। इस बाबत RCP सिंह ने कहा कि JDU हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सवर्ण प्रकोष्ठ को गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक पहुंचाए और लोगों से बताए कि जदयू उनकी पार्टी है, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश भी करें। वहीं इस दौरान जदयू नेता ललन सिंह ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया हो। तेजस्वी ने उद्योग बजट को पुराना बताते हुए कसा तंज। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उद्योग बजट पारित किया गया, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी असहमति जताते हुए तंज कसा है। इसके तहत उन्होंने कहा कि उद्योग बजट में कुछ भी नया नहीं है। बिहार में उद्योग लगाने, उद्योग से आमदनी को बढ़ाने पर सरकार ने चर्चा नहीं की। तेजस्वी ने कहा कि NDA के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार में उद्योग धंधे बढ़ाने और रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन पेश किए गए बजट में ऐसा कोई भी प्रारूप देखने को नहीं मिला है। इस बाबत उन्होंने ये भी कहा है कि बजट में बंद पड़े शुगर मिल को चालू करवाने को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है।
रोहित शर्मा के सवाल का ऋषभ पंत ने दिया दिल जीतने वाला जवाब। इंडियन टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मुश्किल परिस्थितियों में भी इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूती दे दी। मैच में पंत ने ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के साथ शतकीय साझेदारी कर भारत को बढ़त बढ़ाने में मदद किया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने दोनों ही क्रिकेटरों से बात की और पंत से पूछा कि लोगों के अनुसार वे स्टंप के पीछे काफी शोर मचाते हैं, इसका क्या कारण है। इस पर ऋषभ पंत ने दिल जीतने वाली बात कही। पंत ने इस पर कहा कि ऐसा करने से टीम की एनर्जी बनी रहती है, मैं चाहता हूं कि टीम की किसी तरीके से मदद हो जाए। मेरे खेलने का अंदाज यही है कि मैं स्थिति के अनुसार खेलता हूं और मैं अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूं और टीम को जिताना चाहता हूं। यदि मेरी पारी से दर्शकों का मनोरंजन होता है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच में अभी तक चल रहे प्रदर्शन में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।